पीसीबी की तरफ जिस तरीके से बच्चों का, अभिभावकों का और फैकल्टीज का रुझान बढ़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा जेई और नीट आज के दिन 12th के साथ कैरियर सेट होने वाली, कैरियर की डायरेक्शन फाइनल होने वाली दो मुख्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बन चुकी हैं, जिसके पीसीपी पालवास रोड पे हम सबसे पुराने कैंपस में बैठे हैं, जिसमें 11, 12 टारगेट जेई का बच्चा स्टडी करता है, उसके साथ ही नीट टारगेट का बच्चा स्टडी करता है। पीसीपी का पिपराली रोड कैंपस है, जिसके 3 एकेडमिक ब्लॉक में 11, 12 और 13 टारगेट जेई और नीट के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, साथ में रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी उनको भी है। उसके बाद में तीसरा कैंपस पीसीपी ब्रेनी का नया तैयार हो गया, जो फुल फ्लेश्ड स्वरूप में चल रहा है, पालवास रोड चौराहे पे पीसीपी ब्रेनी, जिसमें 11, 12 नीट का बड़ी संख्या में बच्चा इस समय अध्ययन कर रहा है। पीसीपी की तरफ जिस तरीके से बच्चों का, अभिभावकों का और फैकल्टीज का रुझान बढ़ रहा है, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में पीसीपी के रिजल्ट्स न केवल शिक्षा नगरी सीकर बल्कि राजस्थान को गौरवान्वित करने वाले होंगे, और उनका हिस्सा यहाँ बैठे हुए बच्चे, अन्य कैंपसेज में हमारे पढ़ने वाले बच्चे शामिल होकर हिस्सा बनेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। 2025-26 की जर्नी के लिए हमारे सारे बच्चे और टीचिंग फैकल्टी मेंबर्स, मैनेजमेंट मेंबर्स तैयार हो चुके हैं, मिशन में जुड़ चुके हैं, आने वाले रिजल्ट्स और ज़्यादा गौरवमयी होंगे और सीकर का नाम देश भर में गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।